देखें ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़ छत्तीसगढ़ और मैं हूँ प्राची तिवारी। केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि ये किसानों के लिए खुशी और जश्न का दिन है। साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो गांव-गांव जाकर इसे उत्सव की तरह मनाएंगे। राज्य में धान का समर्थन मूल्य अब 2100 रुपए तक पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की मांग अब तेज हो गई है। पूर्व ट्राइबल मंत्री गणेश राम ने ये ऐलान किया है कि वो धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने के लिए 16 जुलाई को एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलबेड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। इनके पास से भारी हथियार, एक मेडिकल किट और कई सामान बरामद हुआ है। राजनांद गांव में क्रिश्चियन फेलोशिप मेडिकल कॉलेज में 43 लोगों की मोतियाबिंद के इलाज से पहले अमानक दवाइयों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये लोग मोतियाबिंद के इलाज के लिए आए थे, लेकिन इनकी आंखों में अमानक दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इन्हें आंखों में खुजली और सूजन की परेशानी हुई। इससे पहले भी क्रिश्चियन फेलोशिप मेडिकल कॉलेज में 54 लोगों में से 37 लोगों ने अपनी आंख की रोशनी गंवा दी थी। उसके बाद भी ऐसा ही फिर से एक लापरवाही का मामला सामने आया है, जो काफी शर्मनाक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और आखिरी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में 6 डीएसपी नकल करते पकड़े गए हैं। इसमें 3 महिला और 3 पुरुष डीएसपी शामिल हैं। इन सभी के पास से पुस्तक और नकल सामग्री मिली है, जिसकी अब पुलिस मुख्यालय जांच कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।